सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अ वीडियो। सो यहाँ पे फ्यूचर में इंडियन टेलीकॉम मार्केट में आपको एक और कंपनी की एंट्री यहाँ पे होती हुई दिख सकती है। सो यहाँ पे इस चीज का मैं थोड़ा सा हिंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी तक आपने गेस कर ही लिया होगा मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पूरा इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो अब यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब यहाँ पे सबसे पहले यही बात देखते हैं कौन सी कंपनी है ये अडानी टाटा नेटवर्क। जो अडानी जी कंपनी है वो यहाँ पे फ्यूचर में आपको टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कर सकती है इंडिया में। अब ऐसा यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनकी कंपनी को यहाँ पे यूनिफाइड लाइसेंस मिल चुका है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये टेलीकॉम सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड कर सकती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ये बात कहाँ पे उठी थी कि अडानी जी कंपनी जो है वो यहाँ पे टेलीकॉम मार्केट में एंट्री लेगी। अब यहाँ पे अडानी जी ने सबको शॉक कर दिया था जब अनाउंस किया था कि वो इस 5G ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। बट उनका जो पार्टिसिपेशन था वो यहाँ पे इतना नहीं था जितना यहाँ पे एयरटेल और यहाँ पे जियो का था। अगर आप यहाँ पे इस ग्राफ में देखोगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे अडानी जी ने बस यहाँ पे 212 करोड़ के यहाँ पे स्पेक्ट्रम बाय किए, और अगर हम यहाँ पे नंबर देखें टोटल स्पेक्ट्रम के तो यहाँ पे 400 स्पेक्ट्रम उन्होंने यहाँ पे बाय किए। और यहाँ पे अगर हम उसे जियो से कंपेयर करें तो जियो ने यहाँ पे 88,078 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे इस ऑक्शन पे, और यहाँ पे जो उन्होंने स्पेक्ट्रम बाय किए वो 24,740 बाय किए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के स्पेक्ट्रम बाय में। अब यहाँ पे जो मेजर फोकस था अडानी डाटा नेटवर्क का वो था मिड बैंड 5G और यहाँ पे मिलीमीटर वेव 5G। उन्होंने यहाँ पे लो बैंड 5G को यहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारा नियर फ्यूचर में कोई भी प्लान नहीं है कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइड करने का। वो अभी बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे उनके एयरपोर्ट्स हैं, उनके डाटा सेंटर्स हैं, उन पे यहाँ पे वो 5G को यूज़ करेंगे। उसके लिए उन्हें यहाँ पे हाई स्पीड 5G की जरूरत है, तो उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पे बाय किया। बट यहाँ पे अब ये जो न्यूज आ रही है उन्हें लाइसेंस मिल चुका है, तो यहाँ पे क्या पता वो फ्यूचर में यहाँ पे कंज्यूमर सर्विसेज भी प्रोवाइड करने लगेंगे, इस चीज की यहाँ पे उम्मीद जाग रही है अब। बट यहाँ पे फिलहाल अडानी ग्रुप्स के लिए ज्यादातर यही सही रहेगा कि यहाँ पे अभी वो टेलीकॉम मार्केट से दूर ही रहें, क्योंकि यहाँ पे अभी जो दो प्लेयर्स हैं एयरटेल और जियो यहाँ पे काफी स्टैब्लिश हो चुके हैं, और यहाँ पे उन्हें बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल रह सकता है। बट यहाँ पे सेम चैलेंज यहाँ पे जियो के सामने भी आया होगा जब जियो 2016 में इंडिया के मार्केट में आया। बट एज यू नो यहाँ पे अंबानी जी के पास बहुत पैसा था, तो उन्होंने यहाँ पे फ्री में नेट बांटा और यहाँ पे अच्छी खासी मार्केटिंग हो गई जियो की, और यहाँ पे जियो इस समय यहाँ पे नंबर वन कंपनी बन के बैठा है कुछ ही साल में। तो यहाँ पे सेम विद अडानी जी के पास भी काफी पैसा है, तो वो एक बारी को ऐसी मार्केटिंग कर सकते हैं कि काफी कम टाइम में वो भी इंडियन टेलीकॉम मार्केट को यहाँ पे डोमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफी एक्साइटिंग रहेगा देखना कि ये कब आती है अडानी जी की टेलीकॉम कंपनी कंज्यूमर्स के लिए। और यहाँ पे लोगों को काफी होप है इस कंपनी से, क्योंकि लोग काफी परेशान हो चुके हैं जियो एयरटेल वी और BSNL की सर्विसेज से। लोग चाहते हैं कि उन्हें और भी ऑप्शन मिले टेलीकॉम मार्केट में, जैसे यहाँ पे जियो के आने से पहले टाइम था वैसे यहाँ पे लोग चाह रहे हैं। अब लेट्स सी कब आती है कंपनी। फिलहाल तो यहाँ पे छोटा सा हिंट मिला है, बट लेट्स सी कैसे कैसे फ्यूचर में आगे न्यूज बढ़ती है।